हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। तो आज आम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करवा जोटा आप पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहित आप जूनियर असिस्टेंट आउ रिलेटेड ओडिशा जहाँ भी आपंकर एग्जाम रोचे से सब इम्पोर्टेंट रो। सो आम देखा जितकी भी क्वेश्चन अच्छे सब जाक इम्पोर्टेंट नि प्रति ऑप्शन को भल भाव बुझा डिटेल रे, ठीक है। आउ एंड पर्यंत आपति भाव में देखूँ। आउ जदि आपने पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि जूनियर असिस्टेंट रो एग्जाम देवा चाहते तेल आपने बहुत सारा क्लासेस आम चैनल रे अच्छी देखिपारे प्लेलीस्ट अवेलेबल अच्छे आपड़ी विजिट करते हैं आपने देखिपर। ओके स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन हूँ हु बेकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमिशन। एटॉमिक एनर्जी कमिशन रो नुआ चेयरमैन भाव में क्या निजुक्ति मिली? अजित कुमार, देवदत्त चांद, विनय तोष मिश्रा ना दिलीप बेहरा? तले आंसर जदि आपंटे निहाती भाव में कमेंट रे जनातु। आंसर हो अजित कुमार। अजित कुमार महांती होती ओडिया फिजिसिस्ट, ओडिशार फिजिसिस्ट, ठीक है। आउ ये होती डायरेक्टर ऑफ BARC, ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रो डायरेक्टर होती अजित कुमार महांती। आउ या नुआ चेयरमैन करा एटॉमिक एनर्जी कमिशन रो। ओके बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन आपन को देछि देवव्रत चांद। यांको रिलेटेड मध्ये गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो पारिबो कि देवव्रत चांद कौन? ये एक्चुअली होती न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। मन रखु जहाँ जहाँ आपको कह सबुक इम्पोर्टेंट बैंक ऑफ बड़ौदार नुआ मैनेजिंग डायरेक्टर होती देवदत्त चांद। मन रखु ता सहित आपंकर ऑप्शन थर्ड अच्छी विनय तोष मिश्रा, ठीक है। विनय तोष मिश्रा होती जड़े IPS ऑफिसर आउ ये न्यू डीजी ऑफ ओडिशा, न्यू डीजी ऑफ ओडिशा फायर सर्विस, ओडिशा फायर सर्विस, ओडिशा फायर सर्विस रो न्यू डीजी होती IPS विनय तोष मिश्रा। आउ बैंक ऑफ बड़ौदार नुआ मैनेजिंग डायरेक्टर होती देवव्रत चांद। आउ आपणकर जो एटॉमिक एनर्जी कमिशन रहिला तार नुआ चेयरमैन होती अजित कुमार। ता सहित दिलीप बेहरा इम्पोर्टेंट कारण दिलीप बेहरा को जो 2022 डिसेंबर रे दिया जाइथिला युवा साहित्य अकाडेमी पुरस्कार से युवा अकाडेमी साहित्य अकाडेमी पुरस्कार दि जाए दिलीप बेहरा को। तेणु सबूक जहाँ भी आपन को ऑप्शन निया जाए से सबूक इम्पोर्टेंट बढ़िया भाव में मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वेयर वाज द ओडिशा बिजनेस मीट 2023 हेल्ड। तले ओडिशा बिजनेस मीट 2023 जापान रो टोक्यो रे हेतला। जापान रो टोक्यो रे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 5th April रे याको करा जाइथिला। सबूक इम्पोर्टेंट तेणु बढ़िया भाव में मन रखु 5th April रे याको करा जाइछि। आउ या देले 26,000 कोटी, मन रखु 26,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट मिलिछि ओडिशा को, ठीक है। ओडिशा एथिरे 26,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट पाइछि। आउ या होस्ट किए करथिला सेटा मते इम्पोर्टेंट। तले होस्टेड बाय फिक्की, ठीक है। फिक्की आउ जेट्रो या होस्ट करछन्ते एटा मध्य इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिक्की आउ जेट्रो द्वारा यहाँ पोस्ट होदि आपण मानक जाना अच्छे कि फिक्कीर फुलफर्म कौन तेल फिक्की फुलफर्म हो फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ हूँ फिक्की फुलफर्म। ता सहित जेट्रो, जेट्रो हूँ जापान एक्सटर्नाल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दुटा ही होस्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ओन साहित्य अकाडमी भाषा सम्मान इन 2022। जेहेतु आपणकर साहित्य अकाडमी अवार्ड 2022 डिसेंबर मासरे दिया जाइछि आउ 2023 रो दिया जाय नाही एपर्यंत, तेणु आपणकर 2022 टा ही इम्पोर्टेंट होइजबो। क्लियर, डिसेंबर मासरे दिया जाइछि आउ एटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट साहित्य अवार्ड। तेणु बढ़िया से जहाँ जहाँ कहा जाऊँ आपण मैंने भलसे मन रखि दिंतु। दुटा क्वेश्चन में जितकी भी ऑप्शन अच्छी प्रति ऑप्शन में क्या कौ अवार्ड अवार्ड मिली से जनईदेवी आपको। क्लियर, देखु फर्स्ट अच्छी डॉक्टर उदयनाथ झा, यांकु ही दिया जाइछि साहित्य अकाडमी भाषा सम्मान 2022। देखु ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर, किंतु एटी क्वेश्चन सरुनी। आम देखा कि गायत्री बालापंडा, ठीक है, गायत्री बालापंडा को कौन दि जाइए? देखो ये जो गायत्री बालापंडा रही या दि जाइए ओडिया भाषापी, ठीक है, ओडिया लांगुएज साहित्य अकाडमी अवार्ड 2022। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया से मन रखु।
ओडिया भाषा पाई गायत्री बाला पंडा को दि जाइए साहित्य अकाडमी अवार्ड 2022 ठीक है। आउ यांकर पोएट्री हूँ कौ पोएट्री दि जाइए पोएट्री ना हूँ दया नदी। दया नदी मन रखु दया नदी पर दि जाइए साहित्य अकाडेमी अवार्ड दि जाइए ओडिया भाषा गायत्री बाला पंडा को ठीक है। नेक्स्ट हूँ नरेन्द्र प्रसाद दास ये मध्य इम्पोर्टेंट नरेन्द्र प्रसाद दास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ दि जाइए साहित्य अकाडेमी बाल साहित्य अवार्ड ओके बाल साहित्य अवार्ड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो आप रिसेंटली केवीएस एग्जाम कर क्वेश्चन आसाला कि जो नरेन्द्र प्रसाद दास अच्छा बाल साहित्य अवार्ड मिली आटा कौपाई मिली गोटे शॉर्ट स्टोरी रही कोलाहल ना हलाहल मन रखु कोलाहल ना हलाहल एथिपाई नरेन्द्र प्रसाद दास को शॉर्ट स्टोरी कोलाहल हड़ाहल मिली साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड क्लियर। नेक्स्ट है दिलीप बेहरा। दिलीप बेहरा को दि जाइए साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड 2022 तेणु जितकी भी आपन को कहगला से सबूक इम्पोर्टेंट गोटे कपी में सबूक को नोट कर दिखाँ। उदयनाथ झा दि जाइए साहित्य एकेडमी भाषा सम्मान। गायत्री बाला पंडा ओडिया दि जाइए साहित्य एकेडमी अवार्ड। नरेन्द्र प्रसाद दास या दि जाइए बाल साहित्य पुरस्कार कोलाहल ना हड़ाहल है सहित नरेन्द्र प्रसाद दास रही है दिलीप बेहरा या दि जाइए साहित्य अकाडेमी युवा पुरस्कार अवार्ड क्लियर। नेक्स्ट हु ओन साहित्य अकाडेमी युवा पुरस्कार 2022 एबे ही हमें डिस्कस करीचे तले साहित्य अकाडेमी युवा पुरस्कार पाइछंती दिलीप बेहरा ऑप्शन बी दिलीप बेहरा आउ ये पाइछंती गोटे शॉर्ट स्टोरी लंठन पाई लंठन नामक गोटे शॉर्ट स्टोरी पाई यांकु दिया जाइछि साहित्य अकाडेमी युवा पुरस्कार अवार्ड 2022 एटा डिसेंबर मास रे दिया जाइछि रिसेंटा 2023 टा आसी नाही क्लियर मन रखंतु। आउ नरेन्द्र प्रसाद दास आम एबे देखी कोलाहल ना हड़ाहल दि जाइए ता सहित अनुराधा रॉय एटा इम्पोर्टेंट अनुराधा रॉय को दि जाइए इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश दि जाइए साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 आउ लेखा था ऑल द लाइफ्स मन रखु ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड एथिपाई दि जाइए इंग्लिश रे दि जाइए साहित्य एकेडमी अवार्ड ठीक है। साहित्य एकेडमी अवार्ड आपंकर 24 भाषा दि जाए मन रखिए आमर सांविधानिक भाषा दुईटा ता सहित आपंकर इंग्लिश रे ता सहित राजस्थानी भाषा 24 भाषा आपंकर साहित्य एकेडमी पुरस्कार दि जाए क्लियर या मिली इंग्लिश रे अनुराधा रॉय को ता सहित बद्रीनारायण को मिली बद्रीनारायण को मिली हिंदी भाषा यहाँ इम्पोर्टेंट मन रखिए हिंदी रे मिली बद्री नारायण को आउ यांकर लेखा हूँ तुमड़ी के शब्द से मिली क्लियर। सबूक प्रश्न प्रति ऑप्शन इम्पोर्टेंट तेणु भलसे आपड़ गोटे कॉपी रे आपको लिखि दिंटे। नेक्स्ट हु गॉट साहित्य अकाडेमी अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एबे ही कहगला साहित्य अकाडेमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज रे पाइछंती अनुराधा रॉय तांको लेखा ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड से पाइछंती क्लियर। आउ नरेन्द्र प्रसाद दास आम देखी कोलाहल ना हलाहल पाइछंती एटा गोटे शॉर्ट स्टोरी एथिपाई से साहित्य अकाडेमी बाल साहित्य पुरस्कार पाइछंती क्लियर। आउ गायत्री बाला पंडा ओडिया पई पाइछंती ओडिया रे तांकर पोएट्री रहिछि दया नदी सेथिपाई पाइछंती गायत्री बाला पंडा। देन रहा बद्रीनारायण हिंदी पाई तुमड़ी के शब्द। नेक्स्ट हु हाज बीन अपॉइंटेड आज द न्यू CIO ऑफ LIC तेल LIC रलआईसी कौन लाइफ इन्सुरांस कॉर्पोरेशन ओके लाइफ इन्सुरांस कॉर्पोरेशन बा LIC नुआ CIO नुआ CIO बा आपणकर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO रो फुल फॉर्म होची चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ठीक है। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आकर क्या निजुक्ति दि जाए आंसर इज रत्नाकर पटनायक को LIC न्यू CIO भाव में निजुक्ति दि जाए आउ ये रिप्लेस कर PR मिश्रा को यहाँ पूर्वर PR मिश्रा थे ठीक है। से एप्रिल 10 रे रिटायरमेंट नहीं नुआ CIO होती रत्नाकर पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिया जवान
देखो बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जानते जवान देवाशीष विश्वाल मैट ट्राइड इन पुंछ टेरर अटाक बिलंग्स टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा ताले बहुत दुखर कथा पुंछ टेरर अटाक रे देवाशीष विश्वाल शहीद होती से ओडिशा रो केउ डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करते खोर्धा जगत सिंहपुर पुरी गंजाम ताले शहीद देवाशीष विश्वाल होती पुरी जिलार सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। परवर्ती प्रश्न ओडिशा अप्रूव्स मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट बिटवीन व्हिच एरियाज ताले मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट आसीची मेट्रो ट्रेन व्यवस्था करा जीवो ओडिशा रे ताले को एरिया रे ये व्यवस्था करा जीवो बोली प्रस्ताव रहिची आंसर इज बो कटक भुवनेश्वर पुरी खोर्धा ये सब एरिया रे मेट्रो प्रोजेक्ट आसी मेट्रो ट्रेन रो प्रोजेक्ट ठीक है आ यार फर्स्ट फेज रे बहुत इंपोर्टेंट मन रखु फर्स्ट फेज रे 30 किलोमीटर पर्यंत मेट्रो लाइन करा जीवो जोटा रही आपणकर कटक रु कटक त्रिशूलिया कटक त्रिशूलिया ठारु बिजु पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर पर्यंत ठीक है बिजु पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर पर्यंत आ फर्स्ट फेज में यहाँ तापर खोर्धार पूरी आड़ को एक्सटेंड करा जीवो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इको इंडस्ट्रियल जोन इन इंडिया ताले भारत रे सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इको इंडस्ट्रियल जोनटा केउटी सेकेंड लार्जेस्ट पचारि फर्स्ट नुहे सेकेंड लार्जेस्ट सो आंसर हो जाबो आम ओडिशा रो भितरकनिका नेशनल पार्क ओके भितरकनिका नेशनल पार्क होची सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इको इंडस्ट्रियल जोन इन इंडिया ठीक है और फर्स्ट जदि पचारे तले फर्स्ट होची सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट होची लार्जेस्ट मैंग्रोव इको इंडस्ट्रियल जोन किंतु क्वेश्चन अनुसार सेकेंड जेहतु पचारि आंसर हो जाबो भितरकनिका नेशनल पार्क। परवर्ती प्रश्न व्हिच बर्ड डिक्लेयर्ड आज एक्सटिंक्ट बट साइटेड इन ओडिशा को बर्ड को डिक्लेयर करा जाय छी एक्सटिंक्ट आकार रे IUCN द्वारा ठीक है IUCN बा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN डिक्लेयर कर दे छी गोटे बर्ड को एक्सटिंक्ट आकार रे किंतु सेटा ओडिशा रे देखा दे छी ताले से बर्ड रो ना को देखिबा ऑप्शन मैंग्रो पिटा बर्ड इंडियन रोलर डोडो ब्लू जे तले आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए मैंग्रो पिटा बर्ड जोटा कि IUCN द्वारा नियर थ्रेटेंड एक्सटिंक्ट घोषणा होती आईटा ओडिशा रे देखा जाता भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट रे क्लियर भितरकनिका कौटी देखा जाता से मन रखुद भितरकनिकार भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया सहित केवल ओडिशा नुहे यहाँ वेस्ट बेंगल में देखा जाए वेस्ट बेंगल जो सुंदरबन मैंग्रोव एरिया अच्छी सेठे देखा देखिए क्लीयर मन रखिए जेहतु आम ओडिशा रे पचारिचे तेणु होपर कौन भितरकनिकार आठ मैंग्रोव से बर्ड ना हो मैंग्रोव पिटा बर्ड ओके इंडियन रोलर आ ब्लू जे इंडियन रोलर को ही ब्लू जे कह जाए आटा हूँ स्टेट बर्ड ओडिशार स्टेट बर्ड ठीक है ना डोडो पक्षी एक्सटेड हो सारी। परवर्ती प्रश्न व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड आज ओडिया न्यू ईयर इन 2023 2023 मसीह रे ओडिया न्यू ईयर आकर सेलिब्रेट करा जाइछि को दिन तले ओडिया नववर्ष आपण माने जानिथिबे तले एटा केबे सेलिब्रेट करा जाइछि आंसर दियंतु कमेंट बॉक्स रे जति आपण को जणा तो तले आकु कहंती महाविषुव संक्रांति ना नै महाविषुव संक्रांति तले महाविषुव संक्रांति ता सेटा सब बेले आपणकर एप्रिल मास रे पड़े एप्रिल 14 ठीक है एप्रिल 14 को ओडिया न्यू ईयर आकर रे सेलिब्रेट करा जाइछि जहाँ को आम महाविषुव संक्रांति बोली कहे आउ मार्च 20 मध्ये आम सेलिब्रेट करचे पखाळ दिवस ठीक है पखाळ दिवस आकर रे आम सेलिब्रेट करचे मार्च 20 को ता सहित एप्रिल 11 मध्ये इंपोर्टेंट एटा होची छेनापोड़ दिवस फेमस अच्छी ओडिशा रे छेनापोड़ तेणु छेनापोड़ दिवस सेलिब्रेट करा जाइछि एप्रिल 11 रे ठीक है ता सहित एप्रिल 1 तो बहुत इंपोर्टेंट उत्कल दिवस उत्कल दिवस कारण 1936 मसीह रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन होता एही दिन रे क्लियर। नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हाज अपॉइंटेड डैश आज सीईओ ऑफ यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन
ताले यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन रो नुआ सीईओ भाबरे अपॉइंट करिसंती जो बाइडेन कहा को अपॉइंट करछन ठीक है ना। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन रो नुआ सीईओ किए आंसर इज वो निशा देसाई बिस्वाल। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा जेतु इंटरनेशनल इवेंट एटा क्लियर। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन रो नुआ सीईओ होछंती आम ओडिसार बहु निशा देसाई बिस्वाल क्लियर। निशा देसाई बिस्वाल आउ यांको अपॉइंट करछंती जो बाइडेन क्लियर। ताले ऑप्शन नंबर डी हिज बैठी सठिक आंसर ला निशा देसाई बिस्वाल होछंती गुजरात रो कन्या किंतु से भुवनेश्वर ओडिसार पुओ सुब्रत बिस्वाल को विवाह करछंती तेणु से ओडिसार बहु सो एटा इंपोर्टेंट हिज बो क्लियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑन व्हिच डेट इज द WHO ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट वर्ल्ड्स टीबी डे बा ट्यूबरकुलोसिस डे को दिन सेलिब्रेट करा जाए WHO द्वारा। WHO होची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीबी डे सेलिब्रेट करे प्रति वर्ष 24 मार्च रे क्लियर 24 मार्च ऑप्शन ए हिज बोली सठिक आंसर ठीक है। आउ टीबी होची गोटे बैक्टीरिया द्वारा व्यापुवा गोटे रोग जहाँ ना होची माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस ठीक है। आउ टीबी मुक्त करने आम भारत ओडिशारे एटा टार्गेट रखा जाए कि 2025 सुधा ओडिशा को आउ संपूर्ण भारत वर्ष को टीबी मुक्त करवा 2025 सुधा आउ पूरा वर्ल्ड रे टार्गेट रखा जाए 2030 सुधा पूरा वर्ल्ड रे 2030 सुधा आउ इंडिया रे 2025 सुधा टीबी मुक्त करा जाए ठीक है। आउ एप्रिल 24 इम्पोर्टेंट एप्रिल 24 को नेशनल पंचायती राज दिवस रूपे पालन करा जाए एटा मध्ये इम्पोर्टेंट मन रखिबे। नेशनल पंचायती राज दिवस होची 24 एप्रिल बट जदि ओडिशा रे पछरे ओडिशा रे पंचायती राज दिवस 24 एप्रिल नुह सेटा हेजबा आपनकर मार्च 5 को ओडिशा रे पंचायती राज दिवस रूपे पालन करा जाए सेई दिन होची बर्थडे ऑफ बिजू पटनायक जन्मदिवस को मार्च 5 को ओडिशा रे पंचायती राज दिवस रूपे पालन करा जाए किंतु इंडिया रे जदि कहबा नेशनल ताहले 24 एप्रिल हेजबो पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट होची 22 मार्च एटा मध्ये गोटे इम्पोर्टेंट डे 22 मार्च रे वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करा जाए वर्ल्ड वाटर डे। आउ जून 5 होची वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बा विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए। ताले सब जक डेट इम्पोर्टेंट थिला जहाँ याद रे अच्छी ठीक है। आउ पीओ एग्जाम पई जे क्लास सब होई छे आपण माने जदि न देखि जंदी ताले प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छे आपण माने डिस्क्रिप्शन विजिट कले देखि परिबे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन पैसेज स्कीम। ताले ग्रीन पैसेज स्कीम गोटे स्कीम रहिछि एटा होछि COVID-19 रे जो पेरेंट्स मानकर डेथ होछि तांकर संतान मान को बा ऑर्फन बा अनाथ पिला मान को जो मानकर पेरेंट COVID-19 रे मरि जाइछन्ति तांकर पिला मान को अनाथ पिला मान को फ्री रे पाठ पढ़ा खर्च देबे राज्य सरकार ठीक है। अनाथ छात्र छात्री निःशुल्क धंदामूलक शिक्षा दिजिव राज्य सरकार द्वारा ठीक है। आउ ये स्कीम जो अच्छी ग्रीन पैसेज स्कीम यटा को करछन्ति ओडिशा सरकार क्लियर ओडिशा सरकार ऑप्शन बी हिज बटी सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज बिरसा मुंडा स्टेडियम फेमस फॉर। बिरसा मुंडा स्टेडियम कोति पई फेमस अछि आंसर इज हॉकी पई जानिबे आपण माने 13th हॉकी एठी हे छि तले बिरसा मुंडा स्टेडियम एटा हॉकी स्टेडियम आउ एटा कहीं फेमस यार फेमस होबार कारण होची कि एटा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे शामिल कर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिज वथरक ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे एटा शामिल अछि कारण एटा हे जाई वर्ल्ड रो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम होची आम ओडिशा रो राउरकेला सुंदरगढ़ रो राउरकेला ठारे थिबा बिरसा मुंडा स्टेडियम एटा होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जहाँकि पखापाखि 21,000 लोक बसई पार क्लीयर। आउ ए सीएम नवीन पटनायक सर्टिफिकेट रिसीव करियर आउ एटा राउरकेलार अच्छी बिरसा मुंडा स्टेडियम आउ एटा हॉकी फेमस। नेक्स्ट आउ इंटरनेशनल जो
13तम जो इंटरनेशनल हॉकी है करेन्टली एटा एठारे ही है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट एटा होचे आपण मानको पई कमेंट वॉल निहाती भाबरे एर आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे दियों। द फेस्टिवल इन व्हिच लॉर्ड लिंगराज इज टेकन इन अ चैरियट फ्रॉम मेन टेम्पल टू रामेश्वर टेम्पल इज कॉल्ड एज। आम ओडिशा रे होतबा गोटे फेस्टिवल जो थे लॉर्ड लिंगराज को भगवान शिव को कौन करा जाए निया जाए गोटे रथ रे लिंगराज टेम्पल ठारू रामेश्वर टेम्पल को ठीक है सेटा कौन कौ फेस्टिवल रे तंको निया जाए बिल्कुल रथ यात्रा परिका हुए किंतु टिके डिफरेंट अच्छी से पूरा सीधा जाती ठीक है कौथे करा जाए तारा तारिणी मेला शीतलष्ठी अशोकाष्टमी ना चैत्र पर्व जदि जानते तेल आंसर आपण मैंने कमेंट बक्स में दिंतु आती आपण को कतेटा आंसर आप जानते तार आंसर प्रपर से किए देखते जनातु ठीक है आईपरी भाव में आप रेगुला क्लास पाइबापी आम चैनल ओडिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।